वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना ओनली ऑन वीनस एचटीवी। साथ साथ जो है वो वेजिटेबल्स यहाँ पर आ गई हैं, सारी जो कार्टून थी यहाँ पर, पोटैटोज देखे स्मॉल क्यूब से मैंने रखे थे वो बॉयल हो गए हैं, कॉलीफ्लावर हमारा ब्लांच हो गया है, इसके साथ साथ जो है वो ग्रीन चिलीज जो ऊपर से मैंने काटी थी वो यहाँ साइड पे रखी हुई है, गाजर क्यूब्स में काटी है इसलिए इसको ब्लांच करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट तो आप इसको भी ब्लांच कर सकते हैं। साथ साथ कैप्सिकम तो बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाती है तो कैप्सिकम यहाँ कटी हुई है, मटर यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की जानिब। और हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ये प्याज जो कि चॉप प्याज मैंने यहाँ पर यूज करी है। और इसके साथ साथ ऑयल मैं इसमें डालूंगी वॉक में, और यहाँ ऑयल डाला है मैंने हाफ कप, हाफ कप ऑयल है, एक अदद बड़ी प्याज है, नहीं तो आप दो अदद दरमियानी प्याजें ले सकते हैं जिसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो ये प्याज हम इसमें शामिल कर रहे हैं, प्याज मैंने इसमें डाल दी है, फ्लेम को मैंने हाई रखा है और साथ साथ जो है हम कोरिएंडर हमें सबसे लास्ट में चाहिए होगा, हमें करने हैं टमाटरों को चॉप। जब तक होती है हमारी प्याज जब तक हम करते हैं टमाटरों को चॉप, टेक्निकली जो है ना वो कामों को थोड़ा सा हैंडल करेंगे तो सही रहेगा। जब तक प्याज होती है जब तक हो जाते हैं टमाटर चॉप, बाकी का काम तो हमने किया हुआ है झटपट। और साथ साथ जो है वो ये देखें हम थोड़ा सा ऑयल इसमें जरा सा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कीजिएगा आप लोग क्योंकि उससे न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा। प्याज को भी हमने बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमने नॉर्मल रखना है। साथ साथ मुझे करने हैं टमाटर चॉप। अच्छा, एक अदर टमाटर को मैंने पील कर लिया था और बाकी दो अदर टमाटर मैं विद स्किन ले रही हूँ, ठीक है। रूट इसका रिमूव कर देंगे, ये तो बहुत जल्दी चॉप्ड हो जाएगा। और ये हमारा ये चेरी टोमेटोज जो है वो बड़े जबरदस्त, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बड़े बड़े और हल्के कलर के आ रहे हैं तो ये ज्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, थोड़े नॉर्मल साइज के और बिल्कुल रेड। ये इस तरह से हम इसको चॉप कर लेते हैं। और साथ साथ ये तो बहुत ही आराम से हो जाता है, रफ सा आप इसको चॉप कर लें। अच्छा, प्याज जो है वो इस शेप में कट हुई है तो जल्दी हो जाएगी, तो प्याज का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे पिंक गोल्डन करना है। ये देखें ये बड़े मजे से जो है वो ठीक है जी, ये हमने इसको कर लिया है चॉप्ड रफली सा। और साथ साथ हम इंतजार करेंगे प्याज को थोड़ा सा होने का। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने जो है वो गाजर को ब्लांच नहीं करा था ना, तो हम क्या करेंगे गाजर को किस तरह शामिल करेंगे तो वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर जो है हम गाजरों को प्याज के साथ डाल के फ्राई करेंगे और इसका फिर फ्लेवर बहुत मजेदार आता है। मटर हमारी फुल बॉयल है, आलू भी फुल बॉयल है, ये देखें ये गाजर भी हमारी फ्राई हो जाएगी और जो है वो प्याज भी हमारी तकरीबन जिस कलर की हमें चाहिए होगी। अच्छा, सूखी मेथी मैंने आपको बताई नहीं थी तो सूखी मेथी यहाँ पर मैंने निकाल के रखी हुई, इसको हम ऊपर से डालेंगे ठीक है जब लास्ट में, तो सूखी मेथी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें साबुत गर्म मसाला भी शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। ये देखेंगे यहाँ पर जो है वो गाजर फ्राई हो रही है। और प्याज भी फ्राई हो रही है।
अब इन दोनों को हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और साथ साथ जो है हमने इसमें शामिल करना है लहसुन पेस्ट। तो लहसुन पेस्ट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, लहसुन पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है, सॉरी जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन पेस्ट मेरे जहन में आ रहा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। देखें अब प्याज का ये कलर आ जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, खिली खिली रखनी है। तो हमने इसके बाद जो है हम इसमें लहसुन पेस्ट सॉरी जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भी आप थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इसमें प्याज भी मज़ीद पक जाएगी। साथ साथ जो ये चॉप किए हुए टमाटर है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने शामिल करा है टमाटरों को, 2 अदद अगर देखें तो हम बिग साइज के, और मैंने नॉर्मल साइज के, मीडियम साइज के लिए तो 3 अदद को, और इसको थोड़ा सा आप सॉफ्टन होने देंगे, ठीक है। टमाटरों को अभी आपने सॉफ्टन होने देना है, इसको इसी तरह से आप छोड़ दें। टमाटर हो रहे हैं, आलू फुल डले हैं हमारे पास, और इसके साथ साथ जो है वो ये कॉलीफ्लावर भी है। थोड़ी सी मैं इसमें फ्लेवरिंग करूंगी अभी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, साथ साथ जो है वो चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। फ्लेम मसाला डालते वक्त लो रखा करें ताकि मसाला जले नहीं। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ साथ हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है हमने। सॉल्ट हमने यहाँ पर लिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करेंगे, लेकिन चिकन पाउडर डाला है तो इसमें सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेगा, ठीक है। और वेजिटेबल्स हमेशा कम ही लेती हैं, और ये थोड़ा सा और इसमें लगा रह गया था। जी तो अब बारी है हमारी रेड चिली पाउडर की, और रेड चिली पाउडर डालने के फौरन बाद ही हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे। और ये रेड चिली पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा मैं नहीं शामिल कर रही इसमें, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, और कोशिश करें आप इससे भी कम डालें इसके अंदर। साथ साथ जो है वो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। कॉलीफ्लावर के अंदर शामिल हो गया है, इसके अंदर जो मटरें हैं हमारे पास, ये मटरें मैं शामिल कर रही हूँ, और ये देखें खूबसूरत से कलर्स जो है इसके अंदर शामिल होने लगे हैं। साथ साथ जो मेरे पास मौजूद है ये आलू, बॉयल आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दिस शुड बी वेरी इम्पोर्टेंट, जी गरम मसाला पाउडर का मैंने आपको बताया कि हमेशा लास्ट में जाता है, और मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ये अब कैप्सिकम्स, ग्रीन चिलीज मैंने अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें, ग्रीन चिलीज मैं इसमें आखिर में डालूंगी। और आप देखें मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको खोल के पकाऊंगी। अब रह गया है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना, तो गरम मसाला पाउडर भी अब हम शामिल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने इसमें शामिल करा है, और देखिए ये मेरे घर का बना हुआ है, तो आपने इसमें सिनेमन स्टिक भी देखी होगी,
तो घर की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें सारे हम मसाले डाल के बनाते हैं, बनस्बत जो बाजार में होती हैं उसमें वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो स्किप कर देते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके अंदर। और ये सूखी मेथी है थोड़ी सी, मैं ये इसको अभी शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं टॉप गार्निशिंग में शामिल करूँगी। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, बाज़ार वाले जो लोग होते हैं ना वो ज़रूर शामिल करते हैं ये सूखी मेथी, रेस्टोरेंट्स में जो बनता है खाना, होटल्स में बनता है, और नॉर्मल अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो वो लोग भी सूखी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वो थोड़ा सा उससे ये होता है कि फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। लास्ट में हम इस पर लिड लगाएंगे सिर्फ, अदरवाइज हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसको, इसको हम कवर कर देते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा देर के लिए कवर नहीं करना हमने, और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि सब्ज़ियों का अपना ही एक थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, उसी में ये कुक्ड होगी और थोड़ी सी ये भुनी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिड लगा देती हूँ और साथ साथ कोरिएंडर को हम चॉप कर लेते हैं। तो अभी हम फ्रेशली सा कोरिएंडर चॉप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैंने कोरिएंडर चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही साथ जो है वो मैं आपको बता दूँ कि ब्रेक का हो गया है टाइम और हमने जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमें कुछ ज्वाइन करेंगे गेस्ट, तो आपने स्टे ट्यून रहना है। और लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।